मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में और जबानी जमा खर्च में एक टका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो 543 का डबल 186 ना बता दे भैया, हो सकता कह दे उतनी आ रही है कि भैया 200 नहीं आएगा, आप 400 का नारा लगा। मोदी जी को चैलेंज है, एक गारंटी दे दे कि हमारे चाचा जी फिर से पलटेंगे नहीं। कुछ तो कहिए, इंडिया को कितनी आ रही है सीटें? मैं बीजेपी की तरह थोथा चना बाजे घना तो हूं नहीं। आज मोदी जी किस मुंह से शक्ति स्वरूपों की बात करते हैं? क्या कांग्रेस यूपी से भाग रही है? ऐसी क्या परेशानी है जब जीतने वाली पार्टी कहीं भागती है? और कहीं उड़ती उड़ती बातें भी सुन रहे हैं कि सुप्रिया जी लड़ने वाली हैं अमेठी से, प्रियंका जी भी लड़ना नहीं चाहती, कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, इसलिए नहीं लड़ेंगे कि सबको मालूम है कि लड़के हारना है। अरे तुतु मैं मत कीजिए, मैंने आपकी बात सुनते आपको बेचैनी क्यों हो जाती है, उससे समझ में आता है कि घबराए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का डिबेट वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि सुप्रिया श्रीनेत किस प्रकार से बौखलाई हुई है। एक तरफ राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में माहिर हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता को उन्हें प्रोटेक्ट करने में पसीने छूट जाते हैं। इसी तरह का एक वीडियो क्लिप आज देखेंगे हम लोग, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत किस प्रकार से राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन माना गुप्ता और बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने उसका किस प्रकार से जवाब दिया। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रिया आपकी बात बताइए, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है और क्या राहुल पीएम बनने के लिए तैयार हैं? सुप्रिया एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को एक बात कहना चाहती हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में और जबानी जमा खर्च में एक टका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो लंबी लंबी छोड़ेंगे। जफर भाई ने जब बताना शुरू किया कहां कितनी सीटें आ रही है, तो एकदम से मुझे लगा कहीं 543 का डबल 186 ना बता दे भैया, हो सकता कह दे उतनी आ रही है। 543 का डबल 186 नहीं, 1086 होता है। बेचैनी तो आप में भी दिख रही है। पार्लियामेंट नया बना देंगे, एक बनाए नया एक और बना देंगे, 543 से डबल सीटें ले आएंगे। तो इन लोगों की मूर्खता की बातें और जबानी जमा खर्च जो है वो सारी दुनिया समझ रही है और जान रही है। जब इंसान घबराता है ना, ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप घबराते हैं ना तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके अंदर डर है कि भैया 200 नहीं आएगा, आप 400 का नारा लगाते हैं। 200 पार नहीं होगा एनडीए, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए, आएगा तो मोदी ही। दूसरी बात, गारंटी की बड़ी बात कर रहे हैं मोदी जी आजकल। ये अलग बात है कि अपनी पुरानी गारंटी जो है वो सब जुमलों में बन चुकी है। कल तेजस्वी भाई ने अच्छी बात करी, उन्होंने कहा इतनी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज है एक गारंटी दे दे कि हमारे चाचा जी फिर से पलटेंगे नहीं। पलट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, पलटू हम कहीं फिर से ना पलटे, ये गारंटी दे दे, लेकिन ऐसी दे नहीं सकते। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपनी बात का एक चीज कहकर करूंगी, कल राहुल जी ने एक मिनट, कल राहुल जी जब वहां पर बोल रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी को यात्रा से एक चीज मिली और वो टूट कर मिली। इस देश ने उनको बेपनाह मोहब्बत, आदर और सम्मान दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने 10,000 किलोमीटर इस देश को अपनी आंखों से सड़कों पर चलते हुए, सड़कों पर रहकर देखा है। 4 जून को देखेंगे। आज इस देश में 10 साल बाद इस हुकूमत के लोग उकता चुके हैं। लोग हाथ जोड़ के कहते हैं जहां जाओ, भैया हम एक आदमी के मन की बात सुन के उब चुके हैं, हमारे मन की बात सुनो। उनको यह विश्वास हो गया है कि आने वाले कल बेहतर होगा। राहुल गांधी ने, इंडिया अलायंस ने एक परचम उठा लिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। चाहे बेरोजगारों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, श्रमिकों का हो, उनके साथ न्याय होगा। तो आपको कोई नारा देना चाहिए ना सुप्रिया, फिर ये उम्मीद रहा, आप भी कोई नारा दीजिए। जून 4 का आपको भी देना चाहिए, जून 4, इंडिया 300 पार, इंडिया 272 पार, कुछ तो कहिए, इंडिया को कितनी आ रही है सीटें? इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस का 20-30 सीट आएगा, इससे ज्यादा तो ऐबे नहीं करेगा। मानक जी, मैं बीजेपी की तरह थोथा चना बाजे घना तो हूं नहीं, और ना बीजेपी की तरह मुझे जबानी जमा खर्च करना फालतू में आता है और ना मैं करूंगी। हमारा एक प्लैंक है, हम मुद्दों पर डट के बात कर रहे हैं, और मुद्दों से ही मोदी जी इतना घबरा रहे हैं कि कभी अपनी कितनी गालियां दी वो किलो नापने लगते हैं, मुझे किसी ने क्या कह दिया। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, और ये यहां पर कहनी जरूरी है क्योंकि मैं अकेली औरत हूं इस शो पर। आज मोदी जी किस मुंह से शक्ति स्वरूपों की बात करते हैं?
मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ नोच रही थी औरतों को, तब आपको शक्ति का स्वरूप याद नहीं आया? हाथरस में हैवानियत में शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? कानपुर में दो नाबालिग बेटियों की लाशें लटकी मिली, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? बेटियां रौंदी गई सड़कों में दिल्ली के, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? अंकिता भंडारी का नाम सुन के उत्तराखंड में शक्ति स्वरूप याद नहीं आता है? शुक्र है बच गई, मेरे मुंह में संदेश खाली का नाम नहीं आया। संदेश खाली का नाम मेरे मुंह में आ जाता तो मैं ही फंस जाती। जफर इस्लाम आपकी बारी है, जफर इस्लाम बोलिए। लोग औरतों के ऊपर भी गंदी, बहुत गंदी राजनीति करते हैं। असलियत ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री देखिए सुप्रिया जी और उसके पीछे के सुप्रिया जी एक चीज तो खाली बता दे, क्या कांग्रेस यूपी से भाग रही है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या जो दो सीटों पे लड़ती थी राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी, क्या वो भी खाली करने वाले हैं? अभी वहां से लड़ेंगे भी नहीं? ऐसी क्या परेशानी है जब जीतने वाली पार्टी कहीं भागती है? अब तो सुन रहे राहुल गांधी ने खुद सोच लिया है कि वहां से नहीं लड़ना है, और कई उड़ती उड़ती बातें भी सुन रहे हैं कि सुप्रिया जी लड़ने वाली है अमेठी से, ऐसा भी सुनने में आया है। और वहां से लड़ने के लिए दावेदार प्रियंका जी को था रायबरेली में, वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी भी लड़ना नहीं चाहती, कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। आप देखिए अगर जीतने वाली पार्टी होती, जब अगर ऐसा लगता है कि 300 पार होंगे, तो आप देखिए गहलोत जी से बोला गया बोले नहीं लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह से बोला गया नहीं लड़ेंगे, कमलनाथ से बोला गया नहीं लड़ेंगे। इसलिए नहीं लड़ेंगे कि सबको मालूम है कि लड़के हारना है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई वो इस खाक में मिल जाएगी, इसलिए लड़ना चाहते। उनका दामन छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जा रहे, क्यों जा रहे? उनको लग रहा है कि वहां पर कुछ नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं। इसका कैसा था तू मेरे बाप, कभी बंदे नहीं होता है। उनके ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं जीतने वाला है, इसलिए अरे तू मैं मत कीजिए, मैंने आपकी बात सुनते आपको बेचैनी क्यों हो जाती है, उससे समझ में आता है कि घबराए हुए हैं, बिल्कुल घबरा गए हैं। थोड़ा धैर्य रखिए सुप्रिया जी, थोड़ा धैर्य रखिए, आपका समय आएगा तो बोलिएगा, लेकिन आपका समय राजनीति में नहीं आने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सुप्रिया श्रीनाथ किस प्रकार से जहाँ जहाँ महिलाओं का शोषण हुआ है, बलात्कार हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, उन सभी जगहों के नाम ली, लेकिन उसने कभी भी संदेश खाली का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जहां उनकी सरकार होती है वहां पे जो अत्याचार शोषण होता है उसका जिक्र नहीं करते, बाकी ओपोजिशन वाले सारे जगहों के जिक्र करते हैं? एक बार भी सुप्रिया श्रीनाथ ने संदेश खाली का नाम नहीं लिया और दम भर रही है कांग्रेस का सरकार बनाने के लिए। इधर राहुल गांधी जो है हिंदू धर्म पर बार बार कष्ट करने की बात उठाते हैं, उठाने वाले का समर्थन करते हैं, क्या हम उनके साथ जा सकते हैं? जो हमारे ही दुश्मन बन के खड़े हैं उनके साथ हम जा सकते हैं?